हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति से संबंधित चीजों को मैं आज बताऊंगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जो पिछला क्लास हमारा था मौद्रिक नीति का, वह किसी विशेष कारणों की वजह से आपके बीच में प्रोवाइड नहीं कराया जा सका, कुछ उसमें टेक्निकल खामियां आ गई थी। तो आज आप लोगों ने लगातार कमेंट्स किया, सर आपके मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो हमारे बीच में प्रोवाइड नहीं हो पाया है। तो मौद्रिक नीति जो आपके इंडियन इकोनॉमी का सबसे मुख्य धुरी है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, आज हम लोग उस पर बात करने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का परिचालन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और चलिए हम लोग अब बात करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौद्रिक नीति की। किस पर बात करेंगे? मौद्रिक नीति की। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति होता क्या है। क्या देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होता है? मौद्रिक नीति, चलिए भैया, मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, सब को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। अच्छा, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मौद्रिक नीति को हमको पढ़ने से पहले यह एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो मौद्रिक का मतलब है मुद्रा से और नीति का मतलब है नियम से। तो मुद्रा का नियम क्या मौद्रिक नीति कहलाता है? ऐसा तो है नहीं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के संचालन के लिए जो नीति बनाई जाती है उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। किसके लिए? मुद्रा के प्रवाह के लिए। मुद्रा के प्रवाह के लिए, मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति, मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। मुद्रा के प्रवाह के लिए जो नीति बनाई जाती है उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि मुद्रा का प्रवाह क्या है, मतलब अब हम यह जान लें कि यह मुद्रा का प्रवाह क्या होता है। तो मुद्रा का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का होना। देखिए, मुद्रा प्रवाह इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ मनी। और इसी को मनी सप्लाई भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे भैया। इसी को क्या कहते हैं? मनी सप्लाई भी कहते हैं। और इसी को एकदम इकोनॉमी के लैंग्वेज में लिक्विडिटी भी कहा जाता है, तरलता भी कहा जाता है। तो इसको कितने नामों से जानते हैं? तीन नामों से। इसको बोलते हैं मुद्रा का प्रवाह। क्या कहेंगे? मुद्रा का प्रवाह। इसको क्या कहेंगे? मुद्रा आपूर्ति। देखिए, इसको अलग अलग नामों से जानते जरूर हैं लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। क्या होता है अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में तरलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा के प्रवाह के लिए तरलता शब्द का जिक्र किया जाता है, तरलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा आपूर्ति या तरलता होती क्या है। तो कहा जाता है एट द टाइम होल मनी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड लिक्विडिटी और मनी सप्लाई ऑफ फ्लो ऑफ मनी। मतलब एट द टाइम का मतलब होता है कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है वह अर्थव्यवस्था या देश की तरलता, मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई या फ्लो ऑफ मनी कहा जाता है। सपोज करिए कि जैसे आपके पास वर्तमान समय में 500 रुपए हैं तो वह 500 रुपए आपकी तरलता है।
आपके पिताजी के पास वर्तमान समय में 5,000 रुपए हैं, तो आपके पिताजी की 5,000 रुपए क्या है? तरलता है। बैंक के पास 500 करोड़ है तो अब बैंक की तरलता है, और इस देश के पास अगर 5,00,000 करोड़ रुपए हैं तो क्या होगा? वह बैंक की, देश की तरलता कहलाएगी। मतलब तरलता का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में होने वाली मुद्रा, या अर्थ मनी प्रवाह का भी मतलब यही होता है और मनी सप्लाई का भी मतलब यही होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है उसी को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं, या उसी को मुद्रा का प्रवाह कहते हैं, या उसी को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। अच्छा, अब प्रश्न यह उठता है कि जो मौद्रिक नीति है, क्या जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वह करता क्या है, यानी इस नीति के माध्यम से किया क्या जाता है? तो देखिए, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, तरलता को नियंत्रित किया जाता है, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है। तरलता को नियंत्रित करने का क्या मतलब है? तो यहां जो नियंत्रण शब्द है या नियंत्रित शब्द है, इस नियंत्रित का मतलब होता है बैलेंस या संतुलन, संतुलन बनाए रखना। संतुलन दो स्थिति में होगा मौद्रिक नीति के माध्यम से, अगर कम है तो ज्यादा, और ज्यादा है तो तरलता कम करना। यानी दो चीजें होती हैं, क्या? तरलता बढ़ाना, कब बढ़ाएंगे? जब तरलता कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, मुद्रा कम होगी। और दूसरा होता है तरलता घटाना, तरलता घटाना। अब इसका क्या मतलब है सर? देखिए भैया, कंट्रोल करने का मतलब रोकना नहीं होता, कंट्रोल करने का मतलब होता है बैलेंस करना। अगर ज्यादा है तो सामान्य पलाना, और कम है तो भी सामान्य पलाना, मतलब बढ़ाना और घटाना। तो इस आधार पर मौद्रिक नीति दो प्रकार की हो जाती है। इस आधार पर जो आपकी मौद्रिक नीति होती है वह कितने प्रकार की हो जाती है? दो प्रकार की हो जाती है। तरलता के घटाने और बढ़ाने के हिसाब से जो मौद्रिक नीति होती है वह दो प्रकार की हो जाती है। तो चलिए, क्या है? तो आइए हम देख लेते हैं कि देखिए हमको क्या समझ में आया। हमको यह समझ में आया कि हम मौद्रिक नीति के माध्यम से, मानी मौद्रिक नीति एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, और नियंत्रित का मतलब है संतुलन बनाए रखना, यानी कम है तो ज्यादा करना, ज्यादा है तो कम करना। इसका मतलब है कि मौद्रिक नीति में दो काम किया जाता है, एक तो तरलता को बढ़ाया जाता है और दूसरा तरलता को घटाया जाता है। बढ़ाया कब जाता है? कम होने पर। कब बढ़ाया जाता है भैया? कम होने पर। घटाया कब जाता है? ज्यादा होने पर। क्या ज्यादा होने पर? तरलता। समझ में आ गया? तरलता क्या होती है? मैंने आपको बता दिया, जो संपूर्ण मुद्रा है अर्थव्यवस्था में वही अर्थव्यवस्था की तरलता होती है। क्योंकि पैसे कम ज्यादा होना, मुद्रा कम ज्यादा होना, यह हमारी मांग के ऊपर निर्भर करता है। यानी अगर इससे क्या होती है, हमारी मांग भी बढ़ जाती है, और मांग के बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो ये चीजें हम लोग आज के ही क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग रेपो रेट के भी बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट के भी बारे में पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति समिति के भी बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मौद्रिक नीति के बारे में तुम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? क्या मौद्रिक नीति के प्रकार, तो अब आपको खुद पता चल गया होगा, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं कि मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है। क्या भैया? मौद्रिक नीति के प्रकार, तो देखिए अभी आपने देखा कि तरलता को बढ़ाया भी जाता है और तरलता को घटाया भी जाता है। तो उस आधार पर मौद्रिक नीति दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगी मॉनेटरी पॉलिसी? दो प्रकार की।
कौन कौन सी? सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति के प्रकार है। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, तो मौद्रिक नीति दो प्रकार की, सस्ती वाली और महंगी वाली। इस सस्ती वाली मौद्रिक नीति और महंगी वाली मौद्रिक नीति, इसका क्या मतलब है? क्या होती है सस्ती मौद्रिक नीति या क्या होती है महंगी मौद्रिक नीति? तो भी मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, और तरलता का नियंत्रण दो रूपों में होता है। कैसे? तरलता को बढ़ाकर और तरलता को घटाकर। एग्जाम्पल आप लीजिएगा एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए गांव का आपको एक व्यक्ति है और वह है महाजन। आपने आरबीआई पढ़ ली है तो आपको पता होगा कि बैंकों का महाजन कौन होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई से बैंक लेन देन करते हैं। और ये है आपका गांव या इसका भी गांव, जो भी आप कह सकते हैं, यह हो गया गांव। यह सोच रहा है कि गांव में लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, यानी तरलता बढ़े। क्या सोच रहा है? तरलता ज्यादा हो तो क्या करेगा? और यह ब्याज पर पैसे देता है। किस पर देता है? ब्याज पर। भैया पैसे तो ब्याज पर, इकोनॉमी का सिद्धांत है कि ब्याज पर ही मिलेंगे। और यह 5% ब्याज पर पहले पैसा देता था, लेकिन अगर इसने ही सोच लिया कि गांव में तरलता ज्यादा हो, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो, तो आप बताओ कि सस्ते में ऋण देगा या नहीं देगा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे तो बाकी दोनों चीज आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक महाजन है गांव का, वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। कितने पर? 5% पर। इसने सोचा कि गांव में तरलता बढ़े, यानी लोगों के पास पैसे बढ़े, तो क्या करेगा? अब सस्ते ब्याज पर पैसा देगा, यानी ब्याज को कम कर देगा। ब्याज को क्या कर देगा? कम कर देगा। और जैसे ही यह ब्याज को कम करेगा, यानी 5% से घटा करके 4% करेगा, लोग इसके यहां से ज्यादा ऋण लेंगे और गांव की तरलता बढ़ जाएगी। यही प्रोसेस बैंकों में होता है। जैसे आरबीआई को लगा कि देश में तरलता ज्यादा होनी चाहिए, तो अपने ब्याज दरों में जिस पर ऋण प्रदान करता है उसमें कर देता है कटौती। कटौती का मतलब है उसको कर देता है सस्ता। उसको क्या कर देता है? सस्ता कर देता है। समझ में आ गया? बहुत सही। अब देखिए क्या है इसका मतलब है कि सस्ती मौद्रिक नीति उसे कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए? तरलता बढ़ाया जाए। तरलता बढ़ाने के लिए जो मौद्रिक नीति प्रयोग होती है उसको सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ती मौद्रिक नीति में ही आरबीआई ब्याज दरों को सस्ता कर देता है, और ब्याज दरों को सस्ता करने से क्या होती है? तरलता बढ़ती है। लोग आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे, माफ कीजिएगा, बैंक आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे, बैंकों के पास ज्यादा पैसे होंगे। और एक कैसे करता है इसका एक अलग सिस्टम है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले सामान्य सी बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है? चलो बहुत सही। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आरबीआई को देश में तरलता ज्यादा करना है तो कौन सी नीति लाएगा? सस्ती मौद्रिक नीति। इसमें क्या होगा? ब्याज दरों में कमी कर देगा। ब्याज दरों में होने वाली कमी ही सस्ती मौद्रिक नीति होगी। ब्याज दरों में कमी कर देगा, ठीक?
अच्छा, और अगर लगता है कि अर्थव्यवस्था से तरलता कम करना चाहिए तो ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा, और जैसे ही ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो ब्याज दरों में जो वृद्धि होगी उसी को कहा जाता है महंगी मौद्रिक नीति, और इससे होगा क्या, तरलता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा तो लोन कम लिया जाएगा तो तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। तरलता कब कम होगी? ब्याज दरों के बढ़ने से। और जैसे ही ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो उस प्रकार की जो मौद्रिक नीति है उसको कहा जाता है महंगी मौद्रिक नीति, ब्याज दरों में जब कमी होगी तो उसको कहा जाता है सस्ती मौद्रिक नीति। ब्याज दरों में कमी करने से तरलता बढ़ जाती है क्योंकि सस्ते में ऋण मिलते हैं, लोग ज्यादा ऋण लेते हैं, देश की तरलता बढ़ जाती है। ब्याज दरों में वृद्धि करने से तरलता कम हो जाती है, और तरलता कम होने के लिए ही महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो मौद्रिक नीति रहा दो प्रकार की। अब प्रश्न यह उठता है कि सर तरलता बढ़ाई कैसे जाती है और घटाई कैसे जाती है? तो तरलता को बढ़ाने और घटाने के लिए, इसको तरलता को बढ़ाने और घटाने के लिए आरबीआई के पास एक बाकायदा समिति होती है, और उस समिति का नाम है मौद्रिक नीति समिति। उस समिति को किस नाम से जानते हैं? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति। उसको किस नाम से जानते हैं? मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, एमपीसी कहते हैं उसको। यह एक संस्था है, यह एक समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का संचालन होता है। तरलता को नियंत्रित किया जाता है, महंगाई को नियंत्रित किया जाता है, और यह कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। इस मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में 3 जो होते हैं वह आरबीआई के होते हैं। कहां से होते हैं? आरबीआई से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, और यहां से जो 3 सदस्य होते हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कोई भी निर्णय जो होता है वह बहुमत के आधार पर होता है, और बराबर की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 ही लोग हैं, तो आरबीआई के गवर्नर को अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। आरबीआई के गवर्नर को अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। क्या? अतिरिक्त मत, एक्स्ट्रा मत आरबीआई का गवर्नर देगा। कब? जब बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए कोई निर्णय पर बात हो रही है कि रेपो रेट को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इस पर अगर 2 पक्ष में 3-3 लोग हो जाते हैं तो आरबीआई का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, बहुमत के आधार पर होता है। और इसकी जो बैठक होती है, ना, यह 6 बार होती है, 6 बैठक होती है एक वर्ष में। कितनी? 6। लेकिन प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक होती है, प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, आराम से शांति से आप लोग इसको समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भविष्य में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे कि मैं आपको बताऊंगा। इसी क्लास में मैं आपकी सारी दुविधाओं को दूर कर दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, रेपो रेट को समझेंगे, रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे, सारी चीजों को हम लोग यहीं पे पढ़ करके समाप्त कर देंगे। अभी कभी अगर पूछे कि नई वाली मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया, तो 2014-15 में किया गया। यह करता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? अगर मौद्रिक नीति समिति का कार्य आपसे पूछा जाए तो इसका कार्य होता है तरलता को नियंत्रित करना। तरलता को नियंत्रित करना, नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ घटाना नहीं होता,
कम है तो बढ़ाना भी होता है और ज्यादा है तो घटाना भी होता है। अब बात आएगी सर कैसे नियंत्रित करेगा, तो कैसे, ऐसा तो है ना कि भगवान से कह देगा कि भगवान तरलता नियंत्रित कर दो, महंगाई को कंट्रोल कर दो तो नियंत्रित हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वह तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसके पास उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से यह तरलता को नियंत्रित करता है। कौन कौन से? मूल छह उपकरण होते हैं। इन छह उपकरणों को हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही शानदार चीजें होंगी, पूरी क्लास देखिएगा, कभी भी भविष्य में पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो एक बार सभी लोग अपनी संख्या को इंक्रीज करते रहिए, अच्छा लगता हो तो लाइक को एक भी कर दो भैया। तो देखिए, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट के माध्यम से तरलता को नियंत्रित किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से तरलता को नियंत्रित किया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से तरलता को नियंत्रित किया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब हिंदी होती है नगद आरक्षित अनुपात। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से, ये हिंदी भी बताएंगे भैया, परेशान नहीं हो। सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है, एक एक का एकदम पोस्टमार्टम हो जाएगा। सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करते हैं। यह उपकरण है ना, औजार हथियार है। और बैंक रेट के माध्यम से तरलता को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाजार की संक्रियाएं। और खुले बाजार की संक्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसके माध्यम से भी तरलता को नियंत्रित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आपको बाकायदा PDF प्रोवाइड होगा, आप आराम से चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपने यह देख लिया कि तरलता को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी होती है, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य RBI से हैं, 3 सदस्य भारत सरकार से हैं। और ये जो भारत सरकार से होते हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, संसद विधायक मंत्री मिनिस्टर नहीं होते हैं। कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। जब बैठक होती है वर्ष में 6 बार, प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होती है। अगर बैठक में 3-3 का बराबर बराबर हिस्सा हो जाता है तो RBI के गवर्नर को अंतिम निर्णायक मत देने का अधिकार है। और इसका कार्य क्या है? तरलता को कंट्रोल करना, तरलता को नियंत्रित करना। यह तरलता को कैसे नियंत्रित करता है? तो इसके पास उपकरण है। कितने उपकरण है? 6 उपकरण है। और यह 6 उपकरण कौन कौन से हैं वो आपके स्क्रीन पर है। एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO, खुले बाजार की संक्रियाएं। तो सर अब क्या होगा? तो अब इसमें से हम लोग एक एक को चुनकर पूरे को बाकायदा पढ़ेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, तो सभी लोग एक बार और शेयर करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेपो रेट पर, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, सबसे शानदार, बहुत पढ़ा है रेपो रेट, लेकिन एक बार और पढ़ लो लाइफ में, अब इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा ले पाऊंगा। चलिए अब क्या है रेपो रेट, आपके स्क्रीन पर है। तो पहली बात तो समझिएगा, इसकी हिंदी भी यही होती है, आपको ज्यादातर जगहों पर यही लिखा मिल जाएगा, रेपो रेट इसकी हिंदी है। चलिए, लेकिन ये जो शब्द है REPO, पहले इसके बारे में देख लो, ये है क्या? ये हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है कि क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूं तो रेपो रेट जो है ना, वह 3 शब्दों से मिलकर अलग अलग बना हुआ है। ये री का मतलब, RE का मतलब री ही होता है, P का मतलब होता है परचेस, O का मतलब होता है ऑप्शन, रिपर्चेस ऑप्शन, सॉरी रिपर्चेस ऑप्शन।
अगर आपसे कोई पूछे कि रेपो का पूरा नाम क्या है तो आप बताएंगे रीपर्चेस ऑप्शन। रीपर्चेस ऑप्शन का मतलब, री का मतलब होता है पुनः, परचेस का मतलब है खरीदारी करना, लेकिन यहां पर होता है लेन देन करना। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, मतलब यहां आपके पास लेन देन करने के विकल्प मौजूद होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको और गहराई से लेंगे, सारे रेपो रेट को एक साथ, मतलब रेपो रेट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सबको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या रेपो रेट। रेपो में रेट शब्द है, आप देख पा रहे होंगे रेपो में एक शब्द लगा हुआ है, उसको कहता क्या लगा हुआ है, रेट। रेट का मतलब है दर। दर का मतलब होता है यह परसेंटेज में हुए और एक ब्याज के दर को निरूपित करता है। रेपो क्या है, अगर आपसे कोई सामान्य बोलचाल की भाषा में पूछे और सामान्य बोलचाल की भाषा में आप आंसर देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि रेपो एक ब्याज का दर है। बहुत समझना, देखिए फैक्ट याद करने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझना होगा। तो देखिए रेपो क्या है, एक ब्याज का दर है। अच्छा तो देखिए रेपो एक ब्याज का दर है जिस पर, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, रेपो एक ब्याज का दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से यानी भारतीय रिजर्व बैंक से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। लेकिन अल्पकालिक ऋण लेते हैं, ज्यादा दिनों के लिए ऋण नहीं लेते हैं, छोटा ऋण लेते हैं, कम समय के लिए ऋण ले देते नहीं भैया, लेते होना चाहिए, ऋण लेते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक ऋण लेते हैं, किस पर, एक ब्याज का दर है और उसी को कहा जाता है रेपो रेट। अब जो प्रश्न है आपको समझने वाला वो यहां से शुरू होता है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रेपो रेट एक ब्याज का दर है जिस पर आरबीआई से वाणिज्यिक एवं अनुसूचित बैंक क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। तो एक छोटी सी बात है साथियों इकोनॉमिक्स में जो आपको समझनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 5000 रुपए की जरूरत है, आप अपने गांव के एक महाजन के पास जाते हैं और आपको पहले से पता है कि वह महाजन 5% ब्याज पर पैसे देता है। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वह कहता है कि बेटा मैं तुमसे 8% लूंगा, तो आप सोच समझ कर कमेंट्स करके बताओ, अगर आपको 5000 रुपए की जरूरत थी और आपको पता था कि वह 5% ब्याज पर ऋण देता है और आपके जाने के बाद उसने कहा कि मैं 8% ऋण लूंगा, 8% ब्याज लूंगा, तो आप बताएंगे कि उससे ऋण लेंगे कि नहीं लेंगे या कम लेंगे। तो आप कहेंगे कि कम लेंगे। कम क्यों लेंगे, क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है और यही इकोनॉमिक्स का सिद्धांत भी कहता है कि हम सीमित संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपना विकास करें। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में वृद्धि होने पर ऋण लेने की प्रवृत्ति कम होती है और इसी कॉन्सेप्ट में आज हम लोग पूरी की पूरी इस इकोनॉमी के पार्ट्स को खत्म करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म करेंगे। मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जैसे ही रेपो रेट ज्यादा होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, रेपो रेट लाइफ टाइम द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हां कमेंट्स पर थोड़ा ध्यान कम दीजिए, आइए बात कर लेते हैं। आपको यह तो पक्का क्लियर हो गया कि इस दर पर हम क्या करता है, आरबीआई ब्याज पर ऋण देता है किसको, बैंकों को। रेपो रेट के ज्यादा होने से आप लोग कमेंट्स करके बताओ, एकदम स्पष्ट कमेंट्स करके सोच करके बताना कि बैंक आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे या कम लेंगे, बैंक लोन ज्यादा होगा या कम होगा।
तो इतना तो आप सबको पता है कि रेपो रेट जब ज्यादा होगा, बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे, पक्का यस। अगर बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे तो बैंकों के पास पैसे कम होंगे, बैंक मनी कम होगी, कम हो गया तो आर बैंक क्या करेंगे, अपने मनी को मेंटेन करेंगे। अच्छा, तो बैंक अपने मनी को कैसे मेंटेन करते हैं, तो बैंकों के पास सिर्फ एक ही औजार हथियार है, वह क्या है, उनका ब्याज, उनका क्या, ब्याज। तो प्रश्न यह उठता है कि बैंक जो ब्याज देते हैं वह दो रूपों का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है ऋण, जो हम ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज, और एक होता है जमा, जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज। तो दोनों ब्याज को बढ़ाएगा, जो बैंक होते हैं वह क्या करेंगे, दोनों ब्याज को बढ़ाएंगे, एक ब्याज को नहीं बढ़ाएंगे, एक ब्याज को हाँ, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऋण वाले ब्याज को बढ़ाएगा, जमा वाले ब्याज को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन नहीं दोस्त, इसमें होगा क्या, समझो, इसमें होगा क्या, जैसे ही वह दोनों ब्याज को बढ़ाएगा, तो जमा ब्याज को जैसे बढ़ा दिया, जमा ब्याज को बढ़ाने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 3.58% पहले ब्याज था, जमा करने पर आपको मिलता था, बढ़ा करके 4% कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, जो पैसा भी आप अपने घरों में रखे हैं वह लालच में आकर बैंक में जमा करेंगे। बोलिए, जमा करेंगे या नहीं जमा करेंगे, बिल्कुल जमा करेंगे, क्योंकि इस पैसे पर बैंक क्या करेगा, अपना मेंटेन करना चाह रहा है मनी। और दूसरी तरफ ब्याज पर ऋण भी कम लेंगे, ऋण कम क्यों लेंगे, क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है। तो दोनों ही तरफ से क्या होगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा और पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिलेगा तो पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाएगी और साथ ही साथ पब्लिक लोन में कमी आती है, लोन भी लोग नहीं लेते हैं। लोन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्याज ज्यादा लगता है। एक तरफ जो पैसा घर में था वह भी बैंकों में दे दिया, दूसरी तरफ क्या ऋण भी नहीं ले रहे हैं, तो पब्लिक मनी मतलब क्या है, तरलता कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी। हाँ, अभी तरलता क्या होती है आपने पढ़ा, तरलता का मतलब होता है जो लोगों के पास पैसा है वही तरलता है, जो देश के पास पैसा है वही तरलता है, जो बैंकों के पास पैसा है वही तरलता है, ठीक है। तरलता क्या हो गई, कम हो गई। अब क्या होगा, तरलता के कम होने से ना मांग कम हो जाती है, बहुत सही। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, हमारी मांग के कम होने से। जैसे बताओ, मांग कम होगा वैसे उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा या नहीं होगा, तो उत्पादन का मतलब उद्योग कम हो जाएगा, और उद्योग कम हुआ, पहले 8 कंपनियां काम करती थी, अब 7 कंपनियां काम कर रही हैं, या पहले एक कंपनी में 5000 टन कोई प्रोडक्ट उत्पाद होता था, अब 4000 टन हो रहा है, तो लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी, मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी इसका मतलब है फिर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मांग कम होगी, मांग कम होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, मांग के नियम के अनुसार, तो उसको बोल देते हैं इकोनॉमी में डिफ्लेशन। बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी या मुद्रा अवस्फीति, मंदी या मुद्रा अवस्फीति। और जब मंदी होती है तो आपकी मुद्रा की शक्ति, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि 10 रुपए में जो काम होता था अब वह 8 रुपए में हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी मुद्रा की शक्ति में वृद्धि हुई है,
इसका मतलब क्या है कि आपकी मुद्रा की शक्ति में वृद्धि हुई है। देखिए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको अप एंड डाउन समझा दिया है। हाँ, मैं आपको एक बार पुनः इसको समझा देता हूं ताकि आप भविष्य में इसको ना भूलें। और एक चीज और आपके लिए एक होमवर्क है, आप अपने से अपने लिए करना। जैसे मैंने रेपो रेट को बढ़ा करके किया है तो आप रेपो रेट को घटा करके भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट। यहां ऋण लेने वाला कौन है, बैंक है। ऋण देने वाला कौन है, आरबीआई है। तो आप ये बताओ, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया यानी महंगे दामों पर, महंगे ब्याज दर पर अगर ऋण देगा तो बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे, बोलिए सर नो। बैंक आरबीआई से कम ऋण लिए, अगर बैंक आरबीआई से कम ऋण लिया इसका मतलब बैंकों के पास पैसे कम हो गए। तो बैंक अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए भैया ब्याज दरों को बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है। तो प्रश्न उठता है कौन से ब्याज दरों को, तो सर ने सिर्फ ब्याज दर लिखा है, मतलब दोनों ब्याज को, जमा ऋण और जमा दोनों। जमा ब्याज दर को बढ़ाने से क्या फायदा है, तो जैसे ही जमा ब्याज दर बढ़ाएगा हम आप पब्लिक लालच में आकर बैंकों में ज्यादा पैसा जमा करेंगे। तो एक तरफ बैंक की मनी मेंटेन हुई और दूसरी तरफ ऋण ब्याज दर के बढ़ाने से हम लोग पैसे भी कम लेंगे। तो मतलब पब्लिक डिपॉजिट, लोगों का जमा बढ़ जाएगा, पब्लिक लोन यानी ऋण कम लेंगे, और ऋण कम लेंगे और जो पैसा घर में था वो भी बैंकों में जमा कर दिया तो तरलता कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। तरलता का मतलब हमारे पास उपस्थित पैसा। अगर हमारी तरलता कम तो हमारी मांग कम हो जाएगी, और मांग के कम होने से क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है। और जैसे ही उत्पादन कम होगा मतलब उद्योग कम होगा तो हमारे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, फिर हमारा मांग कम होगा, क्यों, क्योंकि घर में पैसे नहीं आएंगे, देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी और उससे स्थिति आती है, एक इकोनॉमी में शब्द है डिफ्लेशन यानी मुद्रा अवस्फीति, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको मंदी कहते हैं, और इससे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है, इससे मुद्रा की शक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात इससे वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज करता है। वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होता है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है। तो समझ में आ गया, बोलिए। हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए। और साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप रेपो रेट को कम करके अपने से दो तीन बार अगर इसको करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अब मुद्दा यह उठता है कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो सुनिएगा, इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन ऋणात्मक में हो रहा हो तो रेपो रेट कैसा है, इसका मतलब बड़ा है। पूछेगा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट में गिरावट कर दी गई तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग बढ़ता है या कम होता है। तो उल्टा पूछा, जो अभी मैंने बताया इसका उल्टा, रेपो रेट में गिरावट करने से क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। रेपो रेट में गिरावट करने से क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको रेपो रेट की सारी कहानी बता दी है, अब हम लोग रिवर्स रेपो रेट पर मूव करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को पढ़ेंगे जो रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है, काम वैसा ही करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए और हम लोग बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट भी, ठीक है साथियों। बहुत सही, बहुत ही धमाकेदार चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, रिवर्स रेपो रेट पर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, उल्टा रेपो रेट नहीं लिखते भैया, हाँ रिवर्स रेपो रेट ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो सही तरीके से चल नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि आपको मांग को देखते हुए मैंने फिर सप्लाई इसकी कर दी इकोनॉमी के सिद्धांत के अनुसार। चलिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी तक आपने देखा कि रेपो रेट पर क्या होता था कि आरबीआई ऋण देता था बैंकों को, बैंक आरबीआई से लेते थे, लेकिन इसमें क्या होगा,
वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है, इस पर कौन लेता है? आरबीआई लेता है बैंकों से ऋण लेता है। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। इसमें लेने वाला कौन है? आरबीआई। देने वाला कौन है? वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर ये वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जो हमारे और आपके लिए लेन देन का कार्य करते हैं, हमारे लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो चलिए, वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों से क्या करता है? ऋण लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब आपको यहां थोड़ा समझना होगा, वही कहानी इसमें भी बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े घुमावदार अटपटे टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। रिवर्स रेपो रेट में मान लीजिए वृद्धि हो गई, मैं कमी नहीं बता रहा हूं क्योंकि कमी आप लोग आराम से अपने से कर लेंगे। तो आप ये बताओ, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाए, आप सारी बात समझ रहे हैं, अगर आप शांति से सिर्फ अपने स्क्रीन पर ध्यान दिया है, मेरी आवाज को सुना है, तो कोई भी टॉपिक आपको यहां से मिस नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा कि रिवर्स रेपो रेट, ये बताइए, यहां पर ज्यादा होने का सिंबल मैंने लिख दिया। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो आरबीआई को बैंक ज्यादा ऋण देंगे कि कम ऋण देंगे? तुरंत आप कमेंट्स करेंगे कि अगर रिवर्स रेपो रेट आपके सामने है, रिवर्स रेपो रेट पहले से बढ़ गया तो आरबीआई को बैंक ज्यादा ऋण देंगे या कम देंगे? देखिए भैया, ज्यादा ऋण देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आरबीआई को ऋण देने में बैंकों को किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा पैसा वहां सुरक्षित है। ग्राहकों को ऋण देने से अच्छा है कि आरबीआई को ऋण दे दे और उनका पैसा वहां सुरक्षित है। इसका मतलब है कि अगर, अब समझिएगा, आपकी वही बात फिर मैं दोहरा दूंगा, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाता है ना तो आरबीआई को ऋण ज्यादा मिलता है। अच्छा, यह रिवर्स रेपो रेट निर्धारित कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। किस हिसाब से? तरलता को देखते हुए। तो आरबीआई को ऋण ज्यादा मिलता है, आरबीआई लोन में वृद्धि होती है। ये बताइए, यहां से आईएएस पीसीएस वनडे खूब क्वेश्चन बनते हैं, अगर आरबीआई को बैंकों ने ज्यादा ऋण दे दिया आपके सामने है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, बैंकों को ऐसा लगा कि हमको आरबीआई को ऋण देने से ज्यादा फायदा है, लोगों को देने की अपेक्षा, ग्राहकों को देने की अपेक्षा, तो उन्होंने ज्यादा पैसा आरबीआई को दे दिया। अब क्या होगा जानते हैं? यहां हो जाएगा बैंक मनी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो दे दिया आरबीआई को। ये सब तरलता को कंट्रोल करने के माध्यम है, बैंक मनी कम। अब पुरानी प्रक्रिया तो मैंने आपको बताई थी, एकदम फटाफट दोहरा दो, बहुत शानदार चीजें मुझे लग जाएगा कि हाँ समझ आप पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है लेकिन जबरदस्त टॉपिक है। अब देखिएगा, अगर बैंकों के पास पैसे कम होते हैं तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को यानी ब्याज को बढ़ा देता है। कौन से वाले ब्याज को? तो एक बार बता चुका हूं, दोनों ब्याज दरों को बढ़ा देगा, जमा ब्याज दर और ऋण ब्याज दर। जमा ब्याज दर के बढ़ाने से हम आप लालच में आकर, पब्लिक लालच में आकर ज्यादा डिपॉजिट करेगी तो बैंक के पास पैसे हो जाएंगे, और उधर ऋण ब्याज भी ज्यादा है तो ऋण भी कम लेंगे, तो इससे तरलता होती है कंट्रोल। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाएगा। क्या होगा? पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाएगा, यानी जमा, लोगों की जमा बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ
पब्लिक लोन कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है, और इससे क्या होगा, अगर पब्लिक ने जमा ज्यादा कर दिया, ऋण भी कम लिया, तो इससे स्थिति क्या उत्पन्न होगी, तरलता कम हो जाएगी। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना है तो रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। कैसे रटा है, बिल्कुल नहीं रटना नहीं चाहिए, मैंने सारी बात आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। अब क्या होगा, तरलता के कम होने से हमारे पास अगर पैसे कम है तो हमारी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही तो तरलता है, और मांग कम होने से प्रोडक्शन कम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया मांग कम होने से क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन का मतलब है उद्योग कम हो जाता है। अगर कभी उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आए या कभी उद्योग से संबंधित आए तो कभी गलत नहीं करना, प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर प्रोडक्शन कम करना है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब क्या होगा कि बेरोजगारी के बढ़ने से फिर बात आती है कि हमारे घर में पैसे कम आएंगे, हमारी मांग कम होगी, अगर मांग कम होगी ना तो वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होती हैं। क्या होती हैं? सस्ती होती हैं, जिसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में डिफ्लेशन कहा जाता है, और डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा अवस्फीति या मंदी सामान्य बोलचाल की भाषा में। क्या होता है? मुद्रा अवस्फीति होता है, या उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में मंदी कहते हैं। अगर कोई वस्तु में सस्ती मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपके मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? बहुत सही। तो कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर वही काम रिवर्स रेपो रेट भी करता है, वही काम रेपो रेट भी करता है। बिल्कुल वही काम करता है। क्यों? क्योंकि यह तरलता को कंट्रोल करने के लिए साधन है, छह के छह काम वही करेंगे, लेकिन सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। कभी रेपो रेट को बढ़ाकर रिवर्स रेपो रेट कम थोड़ा कर दिया जाता है, कभी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर CRR थोड़ा कम कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया है और इसी को हम लोग इसमें सीखते हैं। हम लोगों ने रिपो, अब पहली बात तो क्लियर कर लेना, देखिए पहले डिफिनेशन आपके एकदम क्लियर होने चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि RBI ऋण लेता है, बैंक ऋण देते हैं, और दर का निर्धारण भी RBI की संस्था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। अब इसमें प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर दर का निर्धारण भी RBI की संस्था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, मान लीजिए उन्होंने दर को बढ़ा दिया, और जैसे ही दर को बढ़ाया तो बैंकों को लगा यार यहां पर ब्याज ज्यादा मिलेगा, पब्लिक की अपेक्षा ज्यादा ब्याज है, तो ऐसा करो RBI को ही पैसा जमा कर देते हैं, और जब RBI को ऋण दे दिया ज्यादा तो उनके पास पैसे हो गए कम, अगर उनके पास पैसे कम हो गए तो वह अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। कौन से वाले ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं? तो दोनों, ऋण और जमा दोनों। जमा ब्याज दर के बढ़ने से पब्लिक जमा यानी डिपॉजिट बढ़ जाती है, लोन कम लेते हैं, इससे तरलता भी कम हो जाती है, कि जो 100-200-2000 पैसा मेरे पास था वह अभी बैंक में जमा कर दिया और ऋण भी नहीं ले रहे हैं, और इससे फिर मांग बुरी प्रभावित होती है, मांग कम हो जाती है, और जैसे ही मांग कम हुई तो भैया कंपनियां बनाएंगी क्यों, जब मांग ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन शून्य हो जाएगा या कम हो जाएगा, पहले से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मांग फिर अपने घर में 5 लोग काम करते थे, अब 4, तो फिर थोड़ा पैसे कम, मांग कम, और मांग कम होने से वस्तुएं सस्ती भी होती हैं और मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, बोलिए चीजें समझ में आई? बहुत सही। तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे, और एक चीज और, इसको आप लोग कम करके भी चेक करते रहिए, इसको आप लोग कम करके भी 2-3 बार इसको करिएगा, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे इसमें आगे बढ़ते हुए बैंक रेट के बारे में। बैंक दर सुना होगा, सारी चीज सुनी होगी, भैया नहीं सुना होगा
तो खोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर तो सब मिलेगा। बैंक रेट, और यहां भी रेट लगा हुआ है, इसको बैंक दर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बैंक दर। अब क्या है समझिए, इसके पहले आपने एक रेट पढ़ा था और उस रेट का नाम था रेपो रेट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बोलिए? हाँ, रेपो रेट आपने पढ़ा था। आपने देखा था कि वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों से क्या करता है, ऋण लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट, और वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट पर ना आरबीआई अल्पकाल के लिए ऋण देता है, कम समय के लिए ऋण देता है। रेपो रेट अल्पावधि वाला ऋण है और बैंक रेट पर दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म्स लोन या लॉन्ग टाइम ऋण प्रदान किया जाता है। इस पर कौन प्रदान करता है? आरबीआई। किसके लिए? वाणिज्यिक बैंकों या बैंकों के लिए। तो आपको कुछ इसमें समझना नहीं है। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों लगभग लगभग एक ही प्रकार से होते हैं, कम ज्यादा थोड़ा रेट होता जरूर है, लेकिन रेपो रेट अल्पकाल के लिए प्रदान किया जाता है और बैंक रेट दीर्घकाल के लिए प्रदान किया जाता है, अधिक समय के लिए प्रदान किया जाता है। चीजें क्लियर है ना? देखिए क्या होता है कि बैंक रेट पर जो ऋण प्रदान किया जाता है वह दीर्घ अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। दीर्घावधि, और इस पर जो प्रदान किया जाता है वह अल्पकाल के लिए प्रदान किया जाता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? अच्छा, तो बैंक रेट क्या होता है सर? तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि बैंक रेट होता क्या है। बहुत सामान्य तरीके से देखेंगे और आपको हमेशा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी तक जो चीजें समझ में आ रही ना तो बैंक रेट भी समझ में आएगा। चलिए देखिए, बैंक रेट को मैंने क्या बताया, बैंक रेट पर भी बैंक रेट पर क्या होता है, बैंक रेट में वह दर, यह भी दर ही है, रेट लगा है तो दर है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घावधि के लिए ऋण देता है, अधिक समय यानी दीर्घावधि के लिए ऋण देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। इस पर क्या होता है कि बैंक आरबीआई को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। समझ है ना? तो बैंक क्या करता है, आरबीआई को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। तो इसमें क्या होगा कि अब तो आप समझ ही गए होंगे, प्रोसेस सेम है। बैंक रेट के ज्यादा होने से बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से कम ऋण लेते हैं। अब तो एकदम शानदार तरीके से समझ गए होंगे। और अगर बैंक आरबीआई से कम ऋण लेते हैं तो बैंकों के पास मनी कम हो जाती है, बैंकों के पास पैसे कम हो जाते हैं, वह उस पैसे को मेंटेन करने के लिए अपने ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं।
वह अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। कौन से ब्याज दर, जमा और ऋण दोनों। इससे क्या होता है भैया, पब्लिक डिपॉजिट यानी जमा बढ़ जाता है, ये सब बता चुका हूं दूसरे वाले में, और ऋण हो जाता है कम। जब ऋण कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि तरलता कम हो जाती है। जो पैसा था वो भी बैंक में दे दिया, पास में भी नहीं है, ऋण भी नहीं लिया, तो तरलता कम होने से मांग कम हो जाती है। मांग कम हो जाने से उद्योग यानी प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उद्योग कम हो जाता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और बेरोजगारी बढ़ने से फिर अगर छोटे स्तर पर कहें तो मांग कम होगा, मांग कम होने से वस्तुएं हो जाती हैं सस्ती, जिसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में कहा जाता है डिफ्लेशन यानी मुद्रा अवस्फीति। और मुद्रा अवस्फीति होने पर, सस्ताई होने पर, मंदी होने पर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाती है। यही बात मैं अभी तक आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूँ, ये बात मैं आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूं, यही चीज आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, सारी चीज आपको क्लियर आई। तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में अध्ययन किया, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, हमने रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ लिया कि वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होने से क्या कैसे प्रोसेस होते हैं आपके पास है। उसके पहले हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में पढ़ा था, रेपो रेट क्या है क्या नहीं है, बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है। फिर बात आई थी मौद्रिक नीति समिति की, तो मौद्रिक नीति समिति माध्यम से ही तरलता को नियंत्रित किया जाता है, इसका मौद्रिक नीति का कार्य है। नई मौद्रिक नीति का गठन 2014-15 में हुआ, इसमें 6 सदस्य, 3 सदस्य आरबीआई से, 3 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, और बराबरी की स्थिति होने पर आरबीआई के गवर्नर को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। वर्ष भर में 6 बैठकें होती हैं और प्रत्येक 2 महीने में 1 बैठक होती है। आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है, तो उसके लिए उसके पास कुछ हथियार होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन तीनों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रहा आपका कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सबको हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सेकेंड पार्ट में, मौद्रिक नीति के सेकेंड पार्ट में। चलिए अब हम लोग आज से यहीं पर लेते हैं विदा, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगली क्लास में, फिर मिलते हैं विशेष टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।